आप देख रहे हैं द क्रेजी मैन न्यूज चैनल, हौसला सच दिखलाने का, सच तो दिखला कर रहेगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। और इस देश में अब वही होगा जो सही होगा, इस देश में अब वही होगा जो सही होगा। द क्रेजी मैन न्यूज चैनल, सच दिखलाने का हौसला, सच दिखलाने की हिम्मत, सच तो दिखला कर रहूँगा जी। इस देश का सर्वहारा दबा कुचला वर्ग गरीब, गरीब से प्रश्न है मेरा कि गरीबी, गरीबी को क्या नाम, नाम क्या दिया जाए? क्योंकि गरीब, अगर गरीब को अपनी वैल्यूएशन देखनी है, गरीब को अपनी औकात देखनी है, तो किसी डोनेशन में, किसी शादी में, किसी समारोह में जाकर देखे कि गरीब की क्या पोजीशन है। आप क्या बोलना चाहेंगे इसमें? आजकल गरीबों को बहुत गरीबी निगाह से देखा जाता है। और अच्छा, छोटा सा प्रश्न है, सॉरी, कि कारी, मुफ्ती, इमाम, साधु, संत कहीं कहते हैं गरीबी अपनाओ, गरीबी, कृष्ण भगवान ने गरीबी, गरीबों को अपनाया है, गरीबों को सीने से लगाया है, हमारे नबी ने गरीबी पसंद की है, तो आज गरीबी की चर्चा क्यों नहीं होती? चर्चा यूं नहीं होती ना, जिसके पास 10 लाख रुपए हैं, जिसके पास 10 लाख रुपए हैं वो समझता है मैं धनवान हूँ, उसके अंदर दिल नहीं होता बिल्कुल भी खर्च करने का। गरीब को सिर्फ एक लेटरीन, एक गटर समझते हैं, ये लेटरीन है, उससे दूर बसते हैं। जबकि हमारे आका नामदार मदीने के ताजदार ने कहा है, कुत्ते को भी हिकारत की निगाहों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कुत्ता भी एक अल्लाह की मखलूफ है। और ये मालदार गरीबों को बेहतरीन नहीं समझते बिल्कुल भी, और गरीबों को टट्टी समझते हैं, लेटरीन समझते हैं। आज आज गरीबों की, देखिए, गरीबों की बच्चियां, गरीबों की बेटियां कहीं ना कहीं अपने घर बैठी दिखाई दे रही, बड़े बड़े सुंदर मुखले हैं, बड़े बड़े सुंदर चेहरे हैं, मेरी बहन हो, बेटी हो, और देखिए उनमें कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसा क्या कारण? कारण वही है, गरीबी। गरीबी एक कलंक है, गरीबी एक, गरीबी एक कलंक है। गरीब की बेटी को भी अपनाने के लिए नहीं आते हैं ज़्यादातर, ये सोचते हैं कि ये माल कहाँ देगा, उन्हें चाहिए माल, दौलत, अच्छा दहेज, मोटरसाइकिल, कारें। गरीब की बेटी के पास कुछ मिलेगा नहीं। तो सर, जैसा कि ये देश में ऐलान हो रहा है, प्रचार हो रहा है कि बराबर का सम्मान, बराबर के, तो कहाँ के बराबर का सम्मान हुआ? ये सब ढकोसलेबाजी हैं, कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ ढकोसलेबाजी हैं। गरीबी एक कलंक है, सिर्फ गरीबी एक कलंक है। और देखिए गरीबी को कोई, अच्छा, कारी साहब, मुफ्ती साहब, इमाम साहब, बहुत कड़वा प्रश्न होता है मेरा और बोल रहा हूँ, मार देना चाहिए। क्यों? कि सच कड़वा है सर, सत्य कहीं ना कहीं छुपता है, ऐलान नहीं करते। कहीं कारी, किसी मुफ्ती साहब को, किसी गरीब को अपनाते हुए देखा? नहीं, जब निकाह पढ़ाने जाते हैं, गरीब हो या मालदार, उन्हें 1500-2000 रुपए चाहिए जी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो गरीब अपने कहीं से भी दे, कपड़े बेच के दे, अपना मकान बेच के दे, उन्हें तो 2000 रुपए, 1500 रुपए चाहिए निकाह पढ़ाने। ऐसे ही साधु संत महात्मा, देखिएगा, अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जन्म कुंडली नहीं मिल पाती क्योंकि उसकी कुंडली में कीड़े पड़ जाते हैं गरीबी के कारण। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। गरीबी के कारण उसकी कुंडली नहीं मिल पाती क्योंकि आचार्य जी को, हमारे साधु संत जी को उसमें कहीं ना कहीं रबड़ी नहीं चाटने के लिए मिलेगी। सही बात है, रबड़ी चाटने के लिए नहीं मिलेगी, इसलिए उस रिश्ते में कीड़े पड़ जाते हैं और उस माँ और उस बहन का रोते रोते बिलखते बुरा हाल होता है। और कहते हैं बराबर का सम्मान है, क्या बराबर का सम्मान है? सही बात है, बराबर का सम्मान इस समाज में नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस समाज में, इस समाज के साथ खेल हो रहा है, क्योंकि ये देश खेल देखता है, खेल, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, और इसी तरह से नाटक चल रहा है और जीवन एक नाटक शैली बनकर रह गया है। और साधु संत महात्मा, इसी तरह से मुल्ला मौलवी अपनी मौज में है और यह देश कहीं ना कहीं धक्के खा रहा है। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्या होगा इस देश का? देश बर्बाद होगा, और क्या होगा।
इसमें अगर हम कहते हैं कि देखिए हम, मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, सब कसाई है, जिसे जहाँ मौका मिलता है काट देता है। सही बात है, आपकी बात सही है, जिसे जहाँ मौका मिलता है वो काट देता है। आपकी बात बिल्कुल सही, आप सच बोलते हैं, सच दिखाना चाहते हैं और सच लोगों को पसंद है, मगर सच जो है इंसान को कड़वा दिखाई देता है। कई जगह मैंने देखा, कई जगहों पर देखा मैंने, इतनी सुंदर बच्चियां हैं, इतने सुंदर घर, इतने पढ़े लिखे घराने हैं, ग्रेजुएट हैं, और कच्चे मकान हैं बेचारों के, क्योंकि गरीबी से तंग हैं, तो उस गरीबी में वहाँ रिश्ता तक नहीं बढ़ता। सही बात है बिल्कुल, उस गरीबी में वहाँ रिश्ता तक का नहीं बढ़ता। और पहले दौर में लोग एक दूसरे से पूछते थे, भाई किस तरह से है, क्या हाल है, फलाने साहब आज दिखाई नहीं दिए, आज नमाज में कोई मर गया हो या मत आओ, किसी को परवाह नहीं है। सही बात है बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, गरीब के जनाजे में नहीं आता कोई भी। जी हैं, करोड़पति के अगर कोई कुतिया मर जाएगी तो उसको उसमें जाएगा, जिसका मरता है वही रोता है, और गरीब के काने से काना मिलाने वाला कोई नहीं है। गरीब का अगर मर जाए तो उसके यहाँ उसके क्रियाक्रम में भी जाते हुए शर्माते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि परेशान होकर के क्रियाक्रम के कफन के लिए पैसे मांग लिए जाएं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठाकुर द्वारे के अंदर ये जितने भी राशन डीलर हैं जी, ये एक यूनिट कम देते हैं और ये सरकार को बदनाम करने की साजिश है नी, गरीबों का माल ये खा रहे हैं, नाके हैं नाके, ये देखिए गरीबों का माल खा रहे हैं। और देखिए इसी तरह से लोग परेशान होकर जिनके 5 यूनिट हैं 4 यूनिट ले जाते हैं, जिनके 10 यूनिट हैं 9 यूनिट का लेकर के जाते हैं। ऐसा अगर ऊपर से लिखा है तो मुझे दिखाया जाए, केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार इसको आउट करे, इसका रिजल्ट आउट करे, कितना कहाँ बंदा। इस तरह से अगर देश में इसी तरह से होता रहेगा तो द क्रेजी मैन न्यूज चैनल आज सच दिखा रहा है, मैं आज दीवाना हूँ, क्रेजी हूँ, 1 लाख क्रेजी इस सड़कों पर हथियार लिए हुए घूमेंगे। सही बात है बिल्कुल, अगर ये नहीं रुका तो ये 1 लाख क्रेजी इस पे यहाँ हथियार लिए घूमेंगे। सर कुछ बोलना चाहेंगे इस देश में जो हो रहा है, क्या हो रहा है, जो हो रहा है सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है देखिए, क्योंकि लोग इतना डरा दिया गया, 2 साल कोरोना वायरस जैसी संक्रमित बीमारी ने इतना डराया कि लोग चुल्लियों में बढ़ गए। और आज अगर किसी से कोई प्रश्न पूछा जाए तो भागते हैं, अध्यापक भागते हैं, स्टूडेंट भागते हैं। अरे कब तक डरोगे, इस देश की पार्टियां इस देश की गरीबी दूर करते करते इतनी अमीर हो गई कि सर पे चल के भूतने लगी। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी नारी जगत जननी, बेटियों का सम्मान, बेटियां घर में सुरक्षित, थूकता हूं ऐसे समाज पे, पहले निर्भया, फिर दलित समाज की बेटी बहन मनीषा, सब या सखी, सब दब जाता है और याद रहता है तो सिर्फ कि किसकी सरकार बनेगी। सही बात, सही बात। इसी तरह से इस देश को लूट कर खा गए और अब 2022 में फिर चुनाव होंगे और फिर कोई ना कोई पार्टी जीत जाएगी और हार जाएगी। ये जनता लूटो, कब तक लूटोगे, तुम्हारी औकात ही यही है। सही बात।